देखिए अश्विन भाई, ये हाथ से चलने वाला है ग्रीस गन 5 किलो में, 5 केजी का जो है छोटा। आपने ग्रीस गन बताया मेरे को कि 5 केजी या 10 केजी जो भी आपके पास ग्रीस गन हो बताओ मेरे को, तो ये 5 केजी वाला है छोटे में छोटा, एरो प्लस का है जो कि हाथ से चलने वाला है। ठीक है, इसका ये बॉक्स है, देख लीजिए, मेड इन इंडिया आएगा, देख लीजिए लिखा हुआ है मेड इन इंडिया है, 5 केजी का है। ठीक है, 100% टेस्टेड आएगा, इजी मूवेबल। ठीक है, और इसमें ऑयल पानी, ऑयल और ग्रीस मिक्स करके डालने का, जो भी आप भरो ग्रीस या ऑयल दोनों मिक्स करके भरने का। और इसका जो पाइप का आता है वो ऐसा आता है, देखिए ये आगे से बिल्कुल ग्रीस फोड़ने वाला आएगा, स्टील का आएगा, ऐसे स्टेनलेस स्टील का जो गन आएगा इसका, और पीछे पाइप जो है तार वाला आएगा। ठीक है, ये 8 से 10 फुट आता है पाइप साथ में जो ग्रीस फोड़ने का आता है। ठीक है, हाथ से चलने वाला है, इसका डंडा भी अंदर होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका डंडा देखिए लगा हुआ है, देख लीजिए ये पीछे देखिए लगा हुआ है, इसका डंडा है, ये डंडा आएगा जो कि यहाँ अटैचमेंट होगा। ठीक है, और हाथ से मूवमेंट करेगा, या हाथ से चलने वाला है 5 केजी वाला ग्रीस बकेट, हाथ से चलने वाला हैंड ऑपरेट है, 5 केजी ग्रीस बकेट हैंड ऑपरेट, एरो प्लस का, एरो प्लस ब्रांड का आएगा, जो अपने 25 किलो 50 किलो वाला आता है एरो से चलने वाला वही ब्रांड का आएगा, मेड इन इंडिया आएगा, एक और बार आपको बता दे रहा हूँ, एरो प्लस का आएगा। और ये इसका साथ जो भी इसका पाइप है 8 से 10 फीट आता है, इसका गन आएगा स्टेनलेस स्टील का हैवी आएगा, ये काफ़ी हैवी गन आएगा। ठीक है, एयर से चलने वाला, सॉरी हाथ से चलने वाला 5 किलो वाला ग्रीस गन, जो कि हाथ से ऑपरेट होगा, हैंड से छोटा आपको ग्रीस गन टू व्हीलर फोर व्हीलर में करना हो, ठीक है, नॉर्मल करना हो ग्रीस गन, नॉर्मल ग्रीस करना हो आपको, तो ये गन आपको चल जाएगा। ठीक है अश्विन भाई, अब ये ले सकते हो, इसमें 5 केजी भी है बड़ा वाला, देखिए पीछे 10 किलो वाला भी पड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों अपने पास है, छोटे में छोटा 5 किलो वाला आएगा, हाथ से चलने वाला 5 किलो वाला ग्रीस गन, हैंड ऑपरेट ग्रीस बकेट बोलते हैं इसको, हाथ से चलने वाला, जो कि हाथ से मूवमेंट करने से आपके चलेगा। एसेसरीज भी आपको बता दिया, रॉयल मशीनरी अहमदाबाद गुजरात।